अगर आप किसी बिजनेस को करते हैं या फिर आपकी कोई शॉप है, चाहे वो ग्रोसरी स्टोर हो या फिर आपका किसी अदर प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक शॉप हो, किसी भी प्रकार की अगर आपकी दुकान है, तो आपको अपनी दुकान का लाइसेंस जरूर बनवा लेना चाहिए। दुकान का लाइसेंस अगर आप बनवा लेते हैं तो इससे आप इजिली जीएसटी रजिस्ट्रेशन में भी लगा सकते हैं और आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में भी इसका यूज कर सकते हैं। शॉप रजिस्ट्रेशन कराने के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। शॉप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहले आपको यहां वहां भटकना पड़ता था, लेकिन अब आप घर बैठे हुए अपनी दुकान का लाइसेंस, जिसे गुमास्ता पंजीयन या शॉप लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कहा जाता है, इजीली कर सकते हैं। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोसेस है। जो भी प्रोसेस इसमें लगता है, जो भी फीस लगती है, वो सिर्फ 200 से 400 रुपए ही होती है। बाकी आपको कहीं भी पैसे देने की जरूरत नहीं होती है। दुकान का लाइसेंस या शॉप रजिस्ट्रेशन आप अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप से घर बैठे हुए कर सकते हैं। सो इस वीडियो में शॉप लाइसेंस का कंप्लीट प्रोसेस आपको बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। शॉप रजिस्ट्रेशन, दुकान का लाइसेंस या फिर गुमास्ता पंजीयन बनाने के लिए इस वेबसाइट पर आएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको इस पॉपअप क्लोज कर देना है। नीचे आप स्क्रॉल करते हुए आएंगे, एक ऑप्शन मिलेगा शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक अकाउंट क्रिएट करना है, जिसके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। नया लाइसेंस बनाने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है, जिसके लिए साइनअप पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपनी डिटेल्स फिल कर देनी है, जैसे नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, अपना एड्रेस, पिन कोड। यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी को वेरीफाई करके आप यहाँ पर सक्सेसफुल रजिस्टर्ड हो जाएंगे। एक बार सक्सेसफुल रजिस्टर होने के बाद आपको सिटीजन लॉगिन पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर अपनी यूजर आईडी पासवर्ड देना है, कैप्चा फिल करना है और लॉगिन पे क्लिक करना है। यूजर आईडी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दी गई है। सक्सेसफुल लॉगिन होने पर इस प्रकार का डैशबोर्ड आएगा। अपना नया रजिस्ट्रेशन करने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने दुकान लाइसेंस का एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है, इसे आपको केयरफुली फिल करना है। चलिए एक एक करके सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल करते हैं। सबसे पहला है एप्लीकेंट की डिटेल, जिसमें आपको एप्लीकेंट की इन्फॉर्मेशन फिल कर देनी है, जैसे कि एप्लीकेंट का नेम एज पर आधार कार्ड, फादर नेम यहाँ पर फिल कर देंगे, या फिर अगर कोई महिला फिल कर रही है तो हस्बैंड का नाम यहाँ पर फिल करेंगे। एप्लीकेंट स्टेटस में आप सेलेक्ट करेंगे आपका खुद का एक बिजनेस है, प्रोप्राइटरशिप है या फिर पार्टनरशिप है, या फिर कोई एलएलपी या मैनेजर के अंदर आप काम कर रहे हैं, वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। नीचे यहाँ पर आपको फिल करना है डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर यहाँ पर देंगे, पैन कार्ड यहाँ पर आप दे देंगे। नीचे आप आएंगे, अब आपके बिजनेस में कितने फैमिली मेंबर इंगेज्ड हैं, कितने फैमिली मेंबर काम कर रहे हैं, उसकी आप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देंगे। जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनको आप यहाँ पर इन्वॉल्व करके ऐड डिटेल पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट डिटेल में आपको अपनी दुकान की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, अपने बिजनेस की डिटेल्स यहाँ पर फिल कर देनी है, जैसे कि नेम ऑफ शॉप एस्टेब्लिशमेंट में अपनी दुकान का नेम, एड्रेस में आप पता फिल करेंगे, डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आप चूज कर लेंगे, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपकी दुकान है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप कैटेगरी ऑफ शॉप सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि आपका थिएटर है या फिर आपका थिएटर के अलावा कोई शॉप है, कोई रेस्टोरेंट है, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है, कोई फैक्ट्री है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। लेट सपोज हम नॉर्मल शॉप सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है कि आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल क्या लगता है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। बिजनेस स्टार्ट डेट अब आपको यहाँ पर फिल करनी है, कब से आपने बिजनेस स्टार्ट किया। तो एक बात याद रहे, एक महीने के अंदर अंदर आपको आपका ये रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होता है। अगर आप लेट करते हैं तो ज़्यादा फीस लगती है, इसलिए आप यहाँ पर करंट की डेट फिल कर दें, ज़्यादा सुटेबल रहेगा। अब शॉप टाइप आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि कितने एम्प्लॉई आपने रखे हुए हैं, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। बिजनेस टाइप में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपका बिजनेस किस प्रकार का है, जैसे कि आपका कोई किराना शॉप है, चिकन शॉप है, फूड शॉप है, फूड शॉप है, क्लॉथ शॉप है, या फिर कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ है, पान मसाला की शॉप है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस प्रकार की भी शॉप की आपकी कैटेगरी हो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर यहाँ पर नहीं है तो एनी अदर सेल्स शॉप डाल के उसको आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। लेट सपोज हमने किराना यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद यहाँ से इन्वेस्टमेंट टाइप आता है, डोमेस्टिक और फॉरेन। तो मोस्ट ऑफ टाइम पे हमारा डोमेस्टिक होता है, क्योंकि हम ही अपनी शॉप को चला रहे होते हैं। यहाँ पर एक फॉरेन का ऑप्शन इसलिए रख दिया गया है कि अगर आपका कोई फॉरेन से भी इन्वेस्टमेंट वाला है जो कि आपके बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, तो यहाँ पर उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारा तो डोमेस्टिक ही है, अपने केस में आप इसे फिल कर सकते हैं।
रिस्क कैटेगरी में आपका हजार्डेबल है या नॉन हजार्डियस है वो आप फिल करेंगे। जैसे कि अगर कोई खतरे की चीज का आपका शॉप है तो उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे हजार्ड्स में, और अगर नहीं है तो नॉन हजार्ड सेलेक्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप डे वीकली कब ऑफ करते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि संडे हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया। ऑन टाइप में प्रोप्राइटरशिप सेलेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज आप यहाँ पर फिल करेंगे। नीचे आता है एमएसएमई सेक्टर, स्टार्टअप रेट और आईटी सेक्टर। इनमें से अगर आपका किसी के भी अंदर शॉप आता है तो आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे अगर आपका एमएसएमई के अंदर रजिस्ट्रेशन है तो इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे, स्टार्टअप है तो इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे, आईटी सेक्टर में है तो इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर इनके किसी में से नहीं आता तो तीनों को अनसेलेक्ट रखेंगे। अब यहाँ पर आपको मैनेजर की डिटेल फिल करनी है, तो अगर आपने कोई मैनेजर हायर किया है उसके जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करेंगे, जैसे कि नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस, और अगर आप खुद ही मैनेजर हैं अपनी दुकान के तो अपनी डिटेल यहाँ पर फिल करेंगे। बेस्ड ऑन आप डिटेल्स यहाँ पर आपकी फीस आ जाती है। तो अगर आप एक महीने तक का बनवाते हैं तो 200 रुपये ही यहाँ पर शो होता है। इसके बाद सेव एंड प्रोसीड एड एम्प्लॉय डिटेल पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है डू यू हैव रेफरेंस नंबर फॉर जियो टैगिंग। अब आपको अपनी दुकान के जियो टैगिंग करनी है। यहाँ पर एक एप्लीकेशन नंबर दे दिया गया है, इसे आपको कॉपी कर लेना है। हमारे पास कोई रेफरेंस नंबर नहीं है, नो पे क्लिक करेंगे। एक क्यूआर कोड आ जाएगा आपके सामने, आपको इसे स्कैन करना है, जिसके लिए आपको अपने मोबाइल फोन पर जियो टैगिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर ले चलता हूँ। प्ले स्टोर से आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, एमपी मोबाइल। इसको मैंने पहले से ही डाउनलोड किया है तो ओपन करेंगे। ओपन करने पर इस प्रकार का डैशबोर्ड आता है। यहाँ से आपको अपनी जियो टैगिंग करनी है शॉप की। जियो टैग करने के लिए इस मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर एंटर पे क्लिक करेंगे। जो एंटर का बटन आपको शो हो रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। देन शॉप एंड लेबर डिपार्टमेंट पे क्लिक करेंगे, परमिशन देंगे, अलाउ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको वही लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना है जो कि आपने अभी पोर्टल पर लॉगिन किया था। चलिए हम यहाँ पर अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करते हैं। इसके बाद फर्स्ट ऑप्शन आएगा शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इस पर क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर फिल करना है जो कि आपको अभी मिला हुआ है, जिस पे आपने अप्लाई किया हुआ था उसी एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर फिल करना है। आपकी डिटेल यहाँ पर आ जाएंगी। सारी डिटेल आने के बाद नेक्स्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक इमेज आपको अपलोड करनी है अपने शॉप की। शॉप का इमेज जो आपको इस प्रकार से शो हो रहा है इसे आपको अपलोड करना है। इमेज यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इमेज सेलेक्ट करने के बाद इसे अपलोड करेंगे। इमेज का टाइप JPG होना चाहिए और यहाँ पर फॉर्मेट भी आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। इसी फॉर्मेट में आपको इमेज अपलोड कर देनी है। हमारी इमेज सक्सेसफुली यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका ये काम सक्सेसफुल हो गया। अब आपको इस एप्लीकेशन को बंद करना है। इसके बाद फिर से आपको इसी पोर्टल पर आना है और यहाँ पर इमेज अपलोड होने के बाद इसे आपको रिफ्रेश करना है। जैसे आप इसे रिफ्रेश करते हैं जो इमेज आपने वहाँ पर अपलोड की है वो यहाँ पर शो हो जाती है, यानी कि आपकी जियो टैगिंग सक्सेसफुली हो गई। यहाँ पर नीचे आपको कंसेंट का एक ऑप्शन मिलेगा, इसे चेक करेंगे। देन सबमिट। जियो टैग होने के बाद अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जिसके लिए आपको अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं उन सब की लिस्ट यहाँ पर आपको शो हो रही है। जैसे आपको पासपोर्ट साइज़ का एक एप्लीकेंट का फ़ोटो अपलोड करना है। इसके बाद फोटो आइडेंटिटी एप्लीकेंट की अपलोड करनी है, जिसमें वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट पैन कार्ड होंगे। एक चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिया गया है कि आधार कार्ड अपलोड ना करें, नहीं तो इसे खारिज कर दिया जाएगा। इसके बाद नीचे एड्रेस प्रूफ में आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर LPG कनेक्शन, ऑनरशिप डीड या रेंटल एग्रीमेंट देना है। इसी प्रकार से एड्रेस प्रूफ में लोकेशन की आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल या टेलीफोन बिल दे देना है। इसी प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म ए आपको PDF डाउनलोड करना है। ये एप्लीकेशन फॉर्म ए आपको यहाँ पर मिल जाता है। डाउनलोड फॉर्म ए पे क्लिक करेंगे। आपने जो भी डिटेल फिल की है उसके बेस पर ये फॉर्म ए जनरेट होता है। इसे आपको PDF में डाउनलोड कर लेना है और इसे प्रिंट कर लेना है। इसका प्रिंट करने के बाद यहाँ पर आपको सील साइन करनी है और फिर से PDF बना लेना है। PDF बनाने के बाद इसे ही यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। इसके बाद फोटोग्राफ ऑफ शॉप विथ नेम क्लियरली विजिबल में आपको शॉप का एक फोटोग्राफ अपलोड कर देना है, जिसमें शॉप का नेम क्लियरली विजिबल हो। इसके बाद सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, कंसेंट को एक्सेप्ट करना है और सबमिट। नेक्स्ट पेमेंट पेज होता है, यहाँ पर आपको फाइनली पेमेंट करना है। जो भी डिटेल आपने फिल की है एक बार उन्हें चेक कर लेंगे। जितनी भी पेमेंट आपको देनी है वो यहाँ पर आपको शो हो रही है। जैसे यहाँ पर 350 रुपये पेमेंट फीस हमको पे करना है, क्योंकि हमने दुकान का एक महीने पुराना एड्रेस डाला हुआ है। 80 रुपये का पोर्टल चार्ज है। टोटल फीस 430 रुपये हमें पे करना है। प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे।
आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे पेमेंट गेटवे पे। यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे कि आपको किस मोड में पेमेंट करना है, जैसे कि आप UPI पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से करना चाहते हैं या इंटरनेट बैंकिंग से, उसे आप सेलेक्ट करेंगे। अगर हम UPI से करना चाहें तो UPI सेलेक्ट करेंगे, इंटरनेट से करना चाहें तो इंटरनेट बैंकिंग सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे पेमेंट गेटवे के पेज पे। एक रेफरेंस नंबर जनरेट किया गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ओके, यहाँ पर आपको यूज़र आईडी डालनी है, पासवर्ड डालना है और लॉगिन पे क्लिक करके अपना पेमेंट यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद रिसिप्ट जनरेट होती है, इस रिसिप्ट में आपका एप्लीकेशन नंबर होता है। इसी एप्लीकेशन नंबर का यूज़ करके आप अपना स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं। स्टेटस ट्रैक अगर आपका रिजेक्ट बताता है तो आप ये चेक कर सकते हैं कि किस कारण से हमारा ये रिजेक्ट हुआ है, और आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सारी डिटेल सही सही फिल करते हैं तो विदिन ए 5 to 7 days आपका ये अप्रूव होके और आप सर्टिफिकेट इसका डाउनलोड कर सकते हैं।